So, I want to give you for eating time for tiger. Oh my god. Don't eat her, na, tiger. Bhaiya bol rahe pair pakad lo, sab lo pata chala. Oh my god. भैया, ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ट्रैवल यात्रा के थाईलैंड टूर सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पटाया का वन ऑफ द एडवेंचरस कह लीजिए, थ्रिलिंग कह लीजिए या फिर मोस्ट यूनिक प्लेस कह लीजिए, जो है पटाया का टाइगर पार्क। तो पटाया के टाइगर पार्क में जो यूनिक थिंग है वो है आप डायरेक्ट केज के अंदर जा सकते हैं, टाइगर को छू सकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं और टाइगर के साथ खेल सकते हैं, टाइगर के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि अगर आप पटाया के विजिट पे हैं और टाइगर पार्क जाना चाहते हैं तो यहाँ तक आप सबसे इजीली और बजटेड तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ टू रीच देयर। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो भी इसके टिकट कॉस्ट होते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइगर के कैटेगरीज के लिए अलग अलग टिकट कॉस्ट वगैरह होते हैं और भी यहाँ पर थोड़े बहुत छोटे मोटे एक्टिविटीज वगैरह है, तो ये सारी चीजें हम देख लेंगे। साथ ही साथ टाइमिंग्स वगैरह क्या है यहाँ के और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है इस टाइगर पार्क के बारे में, ये सारी चीजें हम जान लेंगे। और उसके बाद ये जो टाइगर पार्क है ये पटाया मेन सिटी से थोड़ा आउटर में है, तो यहाँ तक अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ के आसपास और कौन से अदर साइट सीइंग प्लेसेस है और कौन से देखने लायक अट्रैक्शंस वगैरह है, इसके बारे में भी एक ओवरऑल डिटेल मैं आपको दे दूंगा। साथ ही साथ आसपास जो भी कैफेज वगैरह है या फिर थोड़े बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स एकाद है तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। तो चलिए फिर पटाया में टाइगर पार्क के रिलेटेड इन सारे इन्फॉर्मेशन की कंप्लीट जानकारी के लिए अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप थाईलैंड के ट्रिप पर हैं और यहाँ पर आप इस तरीके का एक टाइगर पार्क वगैरह विजिट करना चाहते हैं जहाँ पर आप टाइगर को लाइव देख सकते हैं, लाइव छू सकते हैं, तो ये सिर्फ पटाया में ही नहीं है, ये ऑल ओवर थाईलैंड कुछ चार पांच जगहों में अवेलेबल है। तो इसका एक क्विकली लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टाइगर पार्क ऑफ पटाया एंड देन नेक्स्ट यू हैव टाइगर पार्क ऑफ फुकेट। तो अगर आप फुकेट विजिट करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इसी तरीके का एक टाइगर पार्क मिल जाएगा। देन इन बैंकॉक यू हैव बैंकॉक सफारी वर्ल्ड, उसी के अंदर एक पार्ट है ये टाइगर डेन सफारी पार्क। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बर्ड शोज वगैरह होते हैं, देन डॉल्फिन शोज, देन जिराफ को आप लाइव फीड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरे सफारी वर्ल्ड बैंकॉक के अंदर ये टाइगर डेन सफारी पार्क एक पार्ट है इसका, जहाँ पर आप अगेन इस तरीके से लाइव टाइगर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद बैंकॉक से एक 80-90 किलोमीटर की दूरी पे रच्चाबुरी में आपको टाइगर वर्ल्ड थाईलैंड मिल जाएगा, तो ये भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है फ्रॉम थाईलैंड। और उसके बाद अगर आप चांगमाई वगैरह विजिट करते हैं तो चांगमाई में भी आपको ये टाइगर किंगडम मिल जाएगा, जहां पर आप इसी तरीके से सिमिलर टाइगर के साथ लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है जिनमें आप अगर आप इन सब जगहों का विजिट करते हैं, अगर आप फुकेट या फिर और कोई प्लेस विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिमिलर तरीके से जैसे पटाया में मैं आपको बताने वाला हूँ जो जो चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें इन सब प्लेसेस में भी अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने जहाँ पर भी इन सब जगहों पे जो रेट्स वगैरह है इनको मैंने कंपेयर किया है तो उसमें सबसे कम प्राइसिंग टिकट कॉस्ट वगैरह जो है मुझे पटाया टाइगर पार्क का लगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पटाया में ही ये टाइगर पार्क एक्सपीरियंस ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा बजट में ये चीज हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप फुकेट जाते हैं या चांगमाई वगैरह जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा कॉस्ट टिकट के लिए पे करना पड़ सकता है। तो आइए आप देख लेते हैं कि जो पटाया का टाइगर पार्क है यहाँ तक अगर आपको विजिट करना है तो पटाया से आप इस पर्टिकुलर प्लेस तक कैसे जा सकते हैं। तो पटाया का जो टाइगर पार्क है ये पटाया का जो मेन हाईवे है, सुकुमवीट रोड कहा जाता है इसको, इस सुकुमवीट रोड के जस्ट लगकर ही है, लेकिन ये एक्सट्रीम साउथ में है पटाया के। तो अगर आप पटाया का जो फेमस वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ से इस पर्टिकुलर टाइगर पार्क का डिस्टेंस देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 10-12 किलोमीटर, और अगर आप सेंट्रल पटाया से यहाँ का डिस्टेंस देखें तो ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 15-16 किलोमीटर। तो इसलिए यहाँ तक विजिट करने के लिए आपके पास टोटल 5 ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन, अगर आपके पास आपके रेंटेड 4-व्हीलर या फिर 2-व्हीलर वगैरह है, आप बाइक वगैरह रेंट कर रखे हैं तो डायरेक्टली आप 2-व्हीलर में जा सकते हैं यहाँ तक, हार्डली आपको 15-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का टाइम लगेगा। सेकेंड ऑप्शन इज दैट यू कैन हायर ऑनलाइन कैब। तो जैसे मैंने मेरे पहले वीडियोस में बता रखा है कि पटाया में
बोल्ट और ग्रैब ये दो पॉपुलर एप्स हैं जिससे आप ऑनलाइन कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने चेक किया था, वॉकिंग स्ट्रीट से इस पर्टिकुलर टाइगर पार्क तक का ये कॉस्ट बता रहा है 123 थाई बात। तो इस तरीके से आपको 200 से 250 रुपया देना पड़ सकता है अगर आप ऑनलाइन कैब से जाकर वापस आते हैं तो। एंड थर्ड ऑप्शन इज द शेयरिंग वैन और सोंगथेव जो यहाँ पर काफी पॉपुलर है चीप एंड बजटेड तरीके से ट्रैवल करने के लिए। तो इन सब सोंगथेव में आप चाहे तो आपके प्लेस से पहले वॉकिंग स्ट्रीट तक आ सकते हैं, या फिर आपको अगर इस पर्टिकुलर जोमेटिन बीच तक कोई सोंगथेव मिल जाता है यहाँ तक आप आ जाइए, या फिर जो ये साउथ पटाया मेन रोड है यहाँ से सुकुमविट रोड के ये जंक्शन तक आपको अगर एक सोंगथेव मिल जाता है तो यहाँ तक आप आ जाइए सबसे पहले। और यहाँ से आगे इस हाईवे में आई डोंट थिंक आपको शेयरिंग वाले सोंगथेव मिलेंगे। आप देखिए, इससे पूछिए, अगर आपको शेयरिंग में मिल जाता तो इट्स फाइन, अदरवाइज यहाँ से आप चाहे तो एक हायर्ड सोंगथेव वगैरह मिलते हैं कि आपको मतलब शेयरिंग में वो सोंगथेव लेके नहीं जाएंगे बट आपको वो पूरा हायर करना पड़ेगा, तो उस तरीके से आप जा सकते हैं। या फिर इस पर्टिकुलर पोजीशन से भी अगर आप कैब बुक करते हैं तो मैंने जैसे चेक किया था ये दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली 90 थाई बात के आसपास। तो इस तरीके से आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शेयरिंग वैन वगैरह से जाना चाहते हैं तो भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक आपको 100 थाई बात के आसपास तो एक्सपेंस हो ही जाएगा वन वे का। अब जो चौथा ऑप्शन है वो है एक चार्टर्ड कैब, कोई टूर ऑपरेटर वगैरह आपके होटल के आसपास अगर हो तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उन्हें आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ तक जाना है और वहाँ से वापस आना, तो आपको एक चार्टर्ड कैब प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने भी एक चार्टर्ड कैब वगैरह हायर किया था, नॉट ओनली फॉर टाइगर पार्क, मेरा जो विजिट था मैंने 2-3 जगह एक साथ एक ही दिन में विजिट कर लिया था। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 300 से 400 थाई बात पे करना पड़ा था 2-3 अट्रैक्शंस का एक साथ विजिट के लिए। और मैंने ये कैब लिया था इस फ्रैंक ट्रैवल से, तो ये फ्रैंक ट्रैवल का मैं आपको डिटेल्स वगैरह दिखा रहा हूँ, ये इनके वीचैट और व्हाट्सएप वगैरह के नंबर है, तो आप भी अगर चाहे तो इनसे एक बार कॉल कर सकते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट आस्क फॉर ए चार्टर कैब, वो आपको प्राइसिंग वगैरह बताएंगे। रिकमेंडेड यही है कि आप एक पॉइंट विजिट ना करें अगर आप चार्टर कैब वगैरह लेते हैं, आप पूरे हाफ डे के लिए या फिर फुल डे के लिए 2-3 पॉइंट्स एक साथ विजिट करने के प्लानिंग से इस तरह का कैब बुक कीजिए। जो पॉइंट्स लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक्सेसिबल नहीं है उन सब जगहों को एक दिन में आप कवर कीजिए और इस तरीके का कैब ले लीजिए, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो ये एक ऑप्शन है चार्टर्ड कैब का। एंड देन द लास्ट ऑप्शन इज हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। यहाँ पर एक elephanttours.com ये इनका वेबसाइट है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस चलता है पूरे पटाया में, जिसका वन डे का पास होता है 800 थाई बात, 2 डेज का 900 थाई बात और 3 डेज का 1000 थाई बात। ये पूरे दिन आप सुबह से शाम तक ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस में आप एक जगह बोर्ड करके दूसरी जगह डीबोर्ड कर सकते हैं और ये इसका पूरा रूट मैप है, आप देख सकते हैं। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपका पूरे दिन में एक या दो जगह का ही ट्रिप का प्लान है, आप 2 या 3 प्लेस ही विजिट करना चाहते हैं, तो 800 रुपया थोड़ा कॉस्टली है पर डे के पास के हिसाब से। इन दैट केस यू कैन गो फॉर कैब्स और शेयरिंग वैन वगैरह में भी आप बड़े इजिली और बजटेड तरीके से ये सब लोकेशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ 4-5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू से आप डायरेक्टली जा सकते हैं टाइगर पार्क तक और वहां से रिटर्न आ सकते हैं। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, और वहां पे जो आपका विजिट रहता है वो हार्डली 30 मिनट्स का रहता है। मतलब आपके पास अगर 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे का टाइम है तो आप इजीली टाइगर पार्क को विजिट करके आपके होटल तक या फिर जो भी लोकेशन में आप जाना चाहते हैं वहां तक आप आ सकते हैं। अब जान लेते हैं इस पर्टिकुलर टाइगर पार्क का टाइमिंग। तो ये सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है और ये 7 डेज ऑफ वीक ओपन रहता है, कोई भी दिन आपको ये क्लोज नहीं मिलेगा, तो आप वीक में किसी भी दिन आप इस पर्टिकुलर पार्क को विजिट कर सकते हैं। बट मेक श्योर ये 6 बजे तक भले ही खुला रहे लेकिन 5-5:30 बजे के बाद ये एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अगर आप विजिट कर रहे हैं शाम के वक्त तो मेक श्योर दैट शाम के 5 बजे तक एटलीस्ट आप इस पार्क में पहुंच जाए और आप टिकट परचेस कर ले, सो दैट 6 बजे तक में आपका ये विजिट कम्प्लीट हो जाए। अब इसके बाद यहाँ के जो प्राइसिंग है अलग अलग कैटेगरीज के टाइगर्स के लिए, जैसा मैंने कहा था अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स है, उसे भी जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 कैटेगरीज के टाइगर पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है ये बिग कैटेगरी जो 2 से 5 साल का होता है, और जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी 2 से 5 महीने का होता है। ये दो कैटेगरीज का जो कॉस्ट है वो है 690 थाई बात फॉर 10 मिनट्स। आपको ये 10 मिनट्स टाइम स्पेंड करने का मौका दिया जाता है,
तो बड़े टाइगर के साथ तो अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, एकदम विशाल सा आपको टाइगर दिखेगा, उसके साथ आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। आपको पीछे की तरफ रहने बोला जाता है, बड़े टाइगर अगर है तो आपको उसके फेस की तरफ आने मना किया जाता है, तो आप पीछे की तरफ या कमर से पीछे की तरफ रह सकते हैं, उनके पूंछ पकड़ सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से लीन होके फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो इस सब चीजें आप कर सकते हैं बिग टाइगर्स के साथ। और अगर आप छोटे टाइगर के साथ, जो स्मॉल टाइगर बेबी टाइगर के साथ जाते हैं, तो वो थोड़े कैट के साइज के होते हैं और उसको आप आराम से गोद में लेके उनके साथ खेल भी सकते हैं। तो इस तरीके से बिग एंड स्मॉल टाइगर थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है, 695 आपको पे करना होता है। इसके बाद जो मीडियम और स्मॉल टाइगर्स होते हैं, मतलब 1 से 2 साल के बीच में जो टाइगर होते हैं, उनके साथ अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो यहाँ 10 मिनट का कॉस्ट होता है 595। और हमने जो विजिट किया था, हमारा भी ये मीडियम टाइगर ही था, तो आप मीडियम टाइगर ही देख सकते हैं, काफी विशाल था, हमारे बॉडी के साइज से काफी बड़ा था। और बिग टाइगर भी हमने देखे थे केज के अंदर, तो वो तो और काफी बड़े होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहे तो मीडियम टाइगर वाला टिकट ऑप्शन ही आप ले सकते हैं, जो आपको 590 थाईबाट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो में जाना चाहते हैं 2 टाइगर्स के साथ या 3 टाइगर्स के साथ, तो बिग प्लस स्मॉल प्लस मीडियम के साथ आपको 1600 थाईबाट पे करना है। ये 3 टाइगर के साथ एक साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए। देन अगर आप 2 टाइगर के साथ आइदर बिग एंड मीडियम और स्मॉलेस्ट एंड स्मॉल इस तरह का कॉम्बिनेशन में आप जाना चाहते हैं, तो आपको 1100 थाईबाट पे करना है। देन इसी तरीके से प्ले 4 का ऑप्शन है, देन प्ले ऑल का ऑप्शन है, मतलब आप सारे कैटेगरी के टाइगर के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 3000 थाईबाट पे करना है। इसके अलावा आपको अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर चाहिए तो इनके पास फोटोग्राफर्स भी होते हैं, तो इनसे अगर आप फोटोज क्लिक करा के आपके फोन में ये पूरा का पूरा डेटा लेते हैं, मतलब जो फोटोज वगैरह वो क्लिक करते हो आप फोन में ले लेते हैं, तो आपको 399 थाईबाट पे करना है। और अगर आप इन फोटोज को 16GB USB पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं तो आपको ये 599 थाईबाट, मतलब 600 थाईबाट पे करना है। ये एडिशनल कॉस्ट है आपके टाइगर के एक्सपीरियंस के अलावा। अब इसके बाद यहाँ आप पूरे के पूरे टाइगर पार्क का एक वॉक अराउंड अगर आप लेना चाहते हैं, घूम घूम के देखना चाहते हैं केज के अंदर जो टाइगर्स हैं उनको बाहर से आप देख सकते हैं चारों तरफ घूम के, तो इसका 200 थाईबाट कॉस्ट होता है। देन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कार है जिसमें आपको 15 मिनट इसी तरीके से एक राइड करवाया जाता है, वो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 390 थाईबाट आपको पे करना है। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इस तरीके से आप टाइगर पार्क को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर टाइगर्स के साथ आराम से थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगर आप टाइगर पार्क के विजिट के लिए जा ही रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा था ये सिटी से काफी आउटर में है, 15-16 किलोमीटर साउथ में है ये, तो यहाँ तक अगर आप जा रहे हैं तो इसके आसपास और कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जिसे आप एक साथ कवर कर सकते हैं। तो अगर आप टाइगर पार्क का विजिट कर रहे हैं तो इसके जस्ट 100-200 मीटर के ही डिस्टेंस पे है ये पटाया का फेमस फ्लोटिंग मार्केट। तो अगर आप फ्लोटिंग मार्केट का विजिट करना चाहते हैं तो आप टाइगर पार्क के साथ साथ उसी दिन फ्लोटिंग मार्केट को भी कवर कर ले, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, अदरवाइज आपको फिर से इसी जगह तक आना पड़ेगा आपके होटल से। तो ये एक ऑप्शन है। देन नेक्स्ट अगर आप अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया विजिट करना चाहते हैं तो ये भी ऑन द वे में इसी सुकुमवीट रोड के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो इसे भी आप ऑन द वे में अगर चाहें तो विजिट कर सकते हैं अगर आपके प्लान में आपके आइटिनरी में अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया है तो। और इसके अलावा अगर आप जोमेटिन बीच वगैरह विजिट करना चाहते हैं तो आप जब रिटर्न आ रहे हैं तब आप वाया जोमेटिन बीच आ जाइए और वहां पे आपके कैब को बोल दीजिए कि वो ड्रॉप कर दे, सो दैट्स हाउ यू कैन विजिट द जोमेटिन बीच ऑल्सो, जो आपको इसी जाने के रास्ते में आपको मिल जाएगा। और अगर आप टाइगर पार्क के आसपास कोई कैफे वगैरह ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये चॉकलेट फैक्ट्री विजिट कीजिए, ये काफी पॉपुलर है इस पर्टिकुलर एरिया में। और अगर आप टाइगर पार्क के आसपास एक इंडियन फूड की तलाश में हैं तो आप आ सकते हैं इस मालगुड़ी रेस्टोरेंट में, जहां पर आपको इंडियन फूड के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस हैं टाइगर पार्क के आसपास जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऑल द वे पटाया के सेंट्रल लोकेशन से टाइगर पार्क तक जा रहे हैं बाय कैब हो, बाय चार्टर्ड व्हीकल हो, या फिर आपके रेंटेड व्हीकल में या फिर रेंटेड टू व्हीलर में आप जा रहे हैं, तो एज ए समरी ये कुछ नियर बाय प्लेसेस है टाइगर पार्क के, और ये है टाइगर पार्क का टाइमिंग्स, एंड देन ये है टाइगर पार्क के जो टिकट कॉस्ट है, एंड देन दीज आर द ट्रांसपोर्ट मोड्स बाय विच यू कैन इजीली विजिट टाइगर पार्क पटाया। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको पटाया में अगर आप टाइगर पार्क के विजिट का प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में एक पूरा डिटेल में जानकारी मिल गया होगा।
और इसके अलावा भी आपको अगर कोई और डिटेल चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और एट द एंड मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे थाईलैंड टूर सीरीज के पूरे प्लेलिस्ट को आप विजिट करना ना भूलें। वहां पर मैंने बहुत सारे और पटाया के बारे में और बैंकॉक के बारे में काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी आप जाकर चेक करें। उससे आपको पटाया के बारे में, बैंकॉक के बारे में और थाईलैंड के ओवरऑल ट्रिप के बारे में आपको काफी अच्छी तरीके से डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो थाईलैंड टूर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा। और अगर आप मेरे इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो के एंड में मैं इस पर्टिकुलर टूर का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो डायरेक्टली यहीं पर दे रहा हूँ। यहीं से आप जाकर डायरेक्टली क्लिक कीजिए और थाईलैंड टूर सीरीज के सारे वीडियोस को यहीं से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक आप इन वीडियोस को चेक करते हैं, मैं आपके लिए तैयार करता हूँ थाईलैंड टूर सीरीज का अगला वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।